पूरे पंजाब भर च पटवारी की प्रीख्या देने लई भारी गिनती दे विच कैंडीडेट्स वक-वक प्रीख्यावां सेंटर दे विच पहुंचे, पर इस दौरान चंडीगढ़ के सैक्टर 32 दे विच एक कॉलेज दे विच टेस्ट देणगे अमृतधारी सिख नौजवानां अते लड़कियां नूं ककार उतारन दे लई मजबूर करन दी शर्मनाक हरकत सामने आई है, जिसते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर ने सख्त शब्दों के विच निंदा की है। उन्होंने यह घिनौनी हरकत से सख्त नोटिस लैन लई कहा है। बीबी जगीर कौर का कहना है कि अमृतधारी सिख लई ककार रहत का अहम हिस्सा है अते जिन्हां नूं शरीर तो वख नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि साडा देश भारत बहुधर्मी देश है ते जिसका संविधान हरेक नूं अपने अपने धर्म अनुसार रहन दी आग्या दिंदा है। अजिहे च नौजवानां नूं टेस्ट च बैठन दे लई ककार उतारन दे लई मजबूर करन नाल सिखां दीआं धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंची है। दसिया जा रहा है कि नौजवानां दे विरोध करन तों बाद कड़े अते श्री साहिब ते टेप लगा के टेस्ट च बैठन दी आग्या दित्ती गई। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुणे खबर सुनी है कि चंडीगढ़ के सैक्टर 32 विच जो पंजाब सरकार वालों पटवारियों की दे टेस्ट लए जा रहे हैं उत्थे अज सिख बच्चों नूं बड़ा हरास किया गया, जिथे अमृतधारी बच्चों के ककार लाने वास्ते मजबूर करने की कोशिश की है। श्री साहब लाने लई जां कड़े लाने लई उत्थे नाल बड़े दुख की गल है कि नव व्याहियां जिहड़ियां लड़कियां गईयां उन्हां दे चूड़े लवा के भी रख ले गए। इस तो बड़ी त्रासदी की हो सकती है जदों बच्चों के जदों उन्हां जिहड़े एप्लीकेंट सी उन्हां दे मूँह चों ये गल्लां सुनिया बहुत बड़ा दुख लगा। और पंजाब सरकार वास्ते एक लानत है कि जे पंजाब दे विच भी जिथे गुरुआं पीरां दी धरती है जिथे कलगीधर पातशाह की बख्शिश है जिथे तख्त श्री केसगढ़ साहब गुरु साहब जी ने सानूं एक कार बख्शी है ते जे उस स्थान दे उत्ते भी जो उस धरती दे उत्ते भी अज सानूं इस ककार लाउण लई मजबूर करके जलील किया जाए इस तो वड्डा साडे वास्ते माड़ा जिहड़ा समां नहीं हो सकता। मैं जिथे पंजाब सरकार नूं इह बेनती करांगी कि कम से कम तुसीं ते सोचो बाहरले देशों को तो बड़ी आज़ादी मंगते हैं कि बाहरले देश सानूं ककारां दी आज़ादी देवे, बाहरले देश सानूं श्री साहब पहनण दी आज़ादी देवे, बाहरले देश सानूं इह ककारां तों रोके ना। तो जिहड़े तुसी इस कल्चर च रह रहे हो जिहड़े इस स्थान ते रह रहे हो जिस स्थान तों ककारां दी बख्शिश होई है और रोज़ गुरु दे घर विच तुसी इस रहत मर्यादा तों जाणू हुंदे हो ते जे इस धरती उत्ते भी सानूं इह जलील होणा पवे ते इह तों वड्डी बदकिस्मती साडी नहीं हो सकदी। सो उह लड़कियां जिहड़ियां नव व्याहियां आम तौर दे उत्ते चलो कोई पाउंदा कोई नहीं पाउंदा पर कम से कम जिहड़ी एक रवायत है साडी परंपरा चली आउंदी है जिहड़ियां साडियां बणियां होईयां लोकां दीयां धार्मिक समाजिक तौर ते उत्ते रीतियां हन जे चूड़े पहन के आईयां जां कोई चीज़ पहन के आईयां उहनां नूं उतार देना मैं समझदी हां कि इह बहुत माड़ी गल कीती है और बहुत माड़ी हरकत है। मैं निंदा करदी हां ते नाल ही उहनां नूं बेनती करांगी कि इहदा तुरंत एक्शन लिया जाए जिन्हां लोकां ने कीता जिहड़े मुलाजमां ने इह हदायतां कीतियां ते फिर बाद विच कड़े दे उत्ते लास्टिक बन्न के उत्ते भेजिया उन्होंने उत्ते कड़े दे उत्ते शरीर साहब दे उत्ते उन्होंने बन्न के फिर भेजा गया। किड्डा अफसोस है रोज़ दुनिया ककार पा के पहन के तुरदी है। इहदा मतलब कि नवा काम जो विदेशों में चल रहा सी उही इत्थे करना शुरू कर दिता असी तो इत्थे बैठे भी गैर हो गए। सो बहुत वड्डी लानत है साडे वास्ते बहुत सरकार वास्ते और बहुत बदकिस्मती है साडी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।